ए खुदा यूं रात में कोई रोया न करे, कर दे करिश्मा ऐसा कि भूखा कोई सोया न करे। नमस्कार, मैं नीता कौशिक और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हरियाणा। आज वर्ल्ड फूड डे के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रोटी कपड़ा और मकान हर इंसान की अहम ज़रूरतें हैं और रोटी के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। तो ऐसे में भोजन को मानव अधिकार का दर्जा दिया गया है और इस अधिकार के साथ साथ विश्व खाद्य दिवस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन डॉक्टर मनीष कुमार और प्रोफेसर अलका शर्मा जी। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि वर्ल्ड फूड डे क्या है और इसे मनाने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मैं दूरदर्शन केंद्र को धन्यवाद देना चाहूँगी हमें इस प्रोग्राम में हम सबको आमंत्रित करने के लिए। विश्व खाद्य दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि 75 साल पहले विश्व खाद्य एवं कृषि संस्थान की स्थापना हुई थी। उसी स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए ये कार्यक्रम मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है और करीब 40 साल से इसको मनाया जा रहा है। हालांकि विश्व खाद्य दिवस को बने 75 साल हो गए हैं, लेकिन 40 सालों से ये प्रोग्राम इस दिन मनाया जाता है जी। और इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके खाद्य सुरक्षा के बारे में और संतुलित आहार के बारे में जी। सर, वर्ल्ड फूड डे को लेकर हर साल एक नई थीम का चयन होता है, तो इस वर्ष 2021 में कौन सी थीम तय की गई है और इसका मुख्य फोकस क्या है? नमस्कार सभी को। तो नीता जी का क्वेश्चन ये है कि जो इस साल वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है और ये डिसाइड कैसे होती है? जो वर्ल्ड फूड डे की जो थीम डिसाइड होती है वो जो करंट और फ्यूचर में जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनको ध्यान में रख के एक थीम तैयार की जाती है। और इस साल जो थीम है वो है आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर्स, मीनिंग कि कल जो है हमारा वो हमारी आज की कार्यकलापाओं कार्य जो भी हम करेंगे उस पर निर्भर करेगा। तो इसमें बताया गया है कि बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट एंड बेटर लाइफ। कहने का मतलब ये है कि बेहतरीन उत्पादन, बेहतरीन पोषण, बेहतरीन पर्यावरण और बेहतर जीवन, अगर हम ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम एक सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम को अडॉप्ट करें। मैम, फूड फोर्टिफिकेशन को लेकर हमारी जो भारत सरकार है बहुत जागरूक हो गई है और इसको लेकर बहुत सारे रिसर्च के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है और किस तरीके से फूड को फोर्टिफाई किया जाता है। जी नीता जी, आप जानते हैं कि हर एक खाद्य पदार्थ में किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी होती है। जी बिल्कुल। एज सच कोई भी खाद्य पदार्थ अपने आप में संपूर्ण नहीं माना जाता। इसी कमी को पूरा करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन, मतलब वो खाद्य जो पोषक तत्व हैं खाद्यान्नों के, वो हम बाहर से ऐड कर दें ताकि उनकी कमी पूर्ति की जा सके। और कमी होने का कारण कई होते हैं। एक तो शुरू से ही वो खाद्य पोषक तत्व उसमें ना मौजूद हो, दूसरा कि हम उसे इस तरह से प्रोसेस करें, इस तरह से बनाएं कि वो वहाँ से उसमें लॉस हो जाए, निकल जाएं, उस कमी को पूर्ति करने के लिए भी फोर्टिफिकेशन की जाती है और उन पोषक तत्वों से की जाती है जिनकी समस्याओं से हमारा देश और हमारे देश की जनता जूझ रही है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी है, प्रोटीन का है या विटामिन ए और डी का है। इस तरह के पोषक तत्वों को चुना जाता है जिनकी समस्याओं से हम ग्रसित हैं या हमारा देश झेल रहा है और हमारे लोग उस समस्याओं को से परेशान हैं। सर, आजकल लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज होने की वजह से उनके जो फूड हैबिट्स हैं उनमें काफ़ी बदलाव आ चुका है, तो इसको लेकर लोग क्या है कि पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स की को ज़्यादा ही प्रेफर करने लगे हैं, तो ऐसे में क्या इन प्रोडक्ट्स को रेगुलरिटी बेसिस पर यूज करना कहाँ तक सही लगता है? जी नीता जी, पैकेज्ड फूड तो आज के समय की ज़रूरत हो गई है और इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो अगर हम हमारी दिनचर्या की बात करें तो दिन की शुरुआत ही एक चाय से होती है और जो चाय हम बना रहे हैं वो पैकेज्ड मिल्क आ रहा है। तो सभी पैकेज्ड फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ एक फूड प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं या रेडी टू ईट वाली कैटेगरी की अगर हम बात करें
तो उसमें प्रोसेसिंग का लेवल अगर हाई है और इसके अलावा उसमें कुछ एडिटिव या प्रिजर्वेटिव, ये कह लीजिए कि कुछ ऐसे रसायन मिला दिए गए हैं जी, जो उस पदार्थ को एकदम से खाने के लिए उपयोगी बनाते हैं और उसको लंबे समय तक रखने में सक्षम बनाते हैं। अगर उनकी मात्रा अधिक है या उनकी मात्रा अधिक नहीं भी है, अगर उनकी मात्रा है और ऐसे प्रोडक्ट को आप निरंतर खा रहे हैं तो यकीनन ये लंबे समय तक खाने के बाद आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि ये निरंतर खाने वाली प्रक्रिया सही नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैम नो डाउट आज हमारा जो देश है वो पहले से काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो ऐसे में आज 21वीं सदी में भी कहीं ना कहीं हम भूखमरी और गरीबी की वजह से होने वाली कुपोषण जैसी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत ही चिंता का विषय है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? जी नीता जी बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि हम बहुत सारे खाद्यान्नों में और खाद्य पदार्थों में टॉप पोजीशन पे हैं, हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं दुनिया में अगर हमारी रैंकिंग देखी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपूर खाना नहीं मिलता, पेट भर खाना नहीं मिलता, भूखे सोना पड़ता है, या फिर जो खाना मिलता है उसमें पोषक तत्वों की कमी है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण परचेजिंग पावर कम होना, यानी कि गरीबी हो सकती है, इग्नोरेंस कि हम ध्यान नहीं देते, कैजुअल अप्रोच रखते हैं खाना बनाने के समय, ऐसे प्रक्रियाएं यूज़ करते हैं जिसमें कि पोषक तत्वों का नुकसान होता है, उनकी हानि होती है। तो ये सब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और हम सब का सामाजिक दायित्व बनता है कि हम इन सब परेशानियों से मिलकर जूझें और इन सब से हम जी बिल्कुल इन सब से हम ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सर हमारे देश के कुछ एक राज्य ऐसे हैं जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आज भी लोग कहीं ना कहीं उनकी भूख से मौत होती है, तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में हम वर्ल्ड फूड डे के उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं? देखिए अनिता जी, अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की जी, तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने बहुत ही ऊंचाइयों को पाया है, हर आयाम को पाया है, चाहे ये कोई भी सेक्टर की बात कर लें, हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कर लें। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो मैनीफोल्ड इंक्रीज हुआ है जी। तो जो खाद्य उत्पादन तो कई 5 गुना से लेके 7 गुना तक वृद्धि हो, तो भारत में आज के दिन उत्पादन की तो कोई समस्या नहीं है और ये खुशी का विषय है कि भारतवर्ष आज के दिन उतना खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर रहा है जितना कि उसकी जनता को ज़रूरत भी नहीं है। मतलब हम कभी फूड की डिमांड करते थे, आज एक सौभाग्यवश हम एक्सपोर्टर बन गए हैं, लेकिन फिर भी भूखमरी है। तो इसके कारण को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर टेक्निकल बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी या स्टोरेज की फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, जिसके चलते जैसे अगर आप FCI या हरियाणा हाउसिंग को बहुत सारा अनाज बैड वेदर है उसकी वजह से है ना खराब हो जाता है। तो इसके अलावा रोड एंड्स वगैरह हैं, तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। नंबर टू मैं बात करूंगा पॉलिसीज़ की, तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्रोडक्शन हो रखा है, फूड प्रोडक्ट है, लेकिन कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये है कि उसके पास वो पर्याप्त धन ही नहीं है कि उससे वो न्यूट्रिशियस फूड खरीद सके। तो सरकार को चाहिए कि नीतियों में कुछ सुधार करे और एक बार मतलब जनमानस को ध्यान में रख के ही नीतियाँ बनाई जाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि मनीष जी ने कहा कि हमारे हर साल गोदामों में करोड़ों टन अनाज बर्बाद होता है और अगर उसको हम अच्छे से स्टोर करें तो इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। तो अलका जी आप बताएँ कि हाल ही में हमारे FSSAI ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें हमें ये पता चला है कि भारत की लगभग 70% लोगों में कहीं ना कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशेंसी पाई गई है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और इनकी डिफिशेंसी को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं?
हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनको दो विभागों में विभाजित किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो हैं जैसे कि प्रोटीन्स, कैलोरी या कैल्शियम भी उसमें आता है, जिसमें कि उसे थोड़ी अधिक क्वांटिटी में क्वांटिटी में कंज्यूम करना पड़ता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो बहुत थोड़े हमें ज़रूरत होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो कम इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी भी महत्वता उतनी ही है जितने की मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की हैं। और जो आम तौर पे जो खाना सब लोग खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा तो काफ़ी हो जाती है, लेकिन प्रोटीन्स, विटामिंस, प्रोटीन्स तो कम है ही, लेकिन विटामिंस और मिनरल्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है। विटामिंस खासकर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, विटामिन ए है या डी है या B12 है, बहुत सारे विटामिंस हैं जो जिनकी पोषक तत्वों की जो हमारे शरीर में कमी मिलती है आमतौर पर देखी गई है। सर आजकल जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड लोगों की डिमांड के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा होता जा रहा है, तो आप ऐसे में बताएं कि ये प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और इनका हम सही तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि हमारे स्वास्थ्य पर इनका कोई नकारात्मक प्रभाव ना आए। देखिए नेताजी, जो फूड प्रोसेसिंग की जहाँ तक बात आती है ना, तो फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर एक इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज़ हैं। तो फूड प्रोसेसिंग नंबर 2 पे आता है, पहले आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। तो जो प्रोडक्शन आपके पास रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम लॉसेस, मैंने जैसे बताया कि भंडारण की वजह से या किसी भी टेक्नोलॉजी की आप डेफिशिएट हो, उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं कि भाई आपकी ऑफ लोकेशंस में फूड प्रोवाइड हो सके, ऑफ सीजन में फूड प्रोवाइड हो सके, और जो अभी हम पेंडेमिक झेल रहे हैं इस सिचुएशन में भी अगर फूड प्रोसेसिंग नहीं होती सो वी कांट इवन इमेजिन आवर सस्टेनेबिलिटी। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि फूड प्रोसेसिंग तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इसके चलते एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, साथ में कुछ बीमारियाँ आ रही हैं वो अनअवॉइडेबल हैं, तो उससे उसके लिए तो मैं दर्शकों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, ठीक है, और ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाला फूड ना खाएं, और रूटीन में ना खाएं, जब आपको ज़रूरत है तभी खाएं, अदरवाइज़ तो घर का बना हुआ और जो एक फ्रेश फूड है उस जैसी तो कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, कोशिश करें कि नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करें बजाय कि प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की। मैडम, आजकल जो फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड तो जैसे आपने सुनाई है कि बहुत बढ़ चुकी है, तो ऐसे में सुनने में आता है कि जो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स का जो लेवल है वो हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो ट्रांस फैटी एसिड्स एक्चुअल में होते क्या हैं और इनका कितना अमाउंट हमें कंज्यूम करना चाहिए और इनके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारी हेल्थ पर आ सकते हैं? सही कहा आपने, ट्रांस फैटी एसिड्स की समस्या बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि प्रोसेस्ड फूड का और फ्राइड फूड्स का, मतलब तले हुए फूलों का, खानों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि स्वादिष्ट होते हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बट समस्या ये है कि जितने ज़्यादा ट्रांस फैट्स हमारे शरीर में जाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं को वो आमंत्रण देते हैं। होता ये है कि जब दो तरीक़ों से ट्रांस फैट ज़्यादा बढ़ते हैं, एक तो तले हुए तलने के वक्त जब हम तेल का जो तापमान है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर लेके जाते हैं, उस वक्त ट्रांस फैट्स का बनना हो जाता है। दूसरा, जब हम तेल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं उस वक्त भी जो तापमान है वो हमें बहुत हाई लेके जाना होता है, उसमें भी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वसाओं का, जिसमें कि फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि वो सिस कॉन्फ़िगरेशन की बजाय ट्रांस, मतलब कुछ बदलाव आ जाते हैं, हाँ सादे शब्दों में यही कहा जाएगा कि उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। होता क्या है, ट्रांस फैट की अगर हम ज़्यादा मात्रा में अपने खाने में प्रयोग में ला रहे हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए भी बॉडी में, लेकिन किसी भी चीज़ का संतुलन बिगड़ जाना वो बहुत समस्या की बात है। और ज़्यादा जब लिवर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा जो कि ट्रांस फैट को खाने की वजह से होता है, तो हमारे शरीर में जो HDL की मात्रा है, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे कहा जाता है, वो मात्रा कम हो जाती है, और LDL टाइप के कोलेस्ट्रॉल जिसमें प्रोटीन कम होता है और वसाएँ ज़्यादा होती हैं उनकी जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और जब ये ज़्यादा बढ़ेगा तो खून में जो चकत्ता बनना है, खून में इसका जमना,
वो शुरुआत हो जाती है, और एक बार कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाए, वो चिपकना शुरू हो जाए हमारी धमनियों में, उसके बाद तो फिर वो बढ़ोतरी होती रहती है और बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण मिलता है। तो ना ही, बिल्कुल ही ज़ीरो करना है। और हमारी जो संस्थाएं हैं, जो फूड सेफ्टी वाली जो संस्थाएं हैं, उन्होंने ये प्लान भी किया है, ये सोचा है कि धीरे धीरे हम इसको ख़त्म कर देंगे और 2023 तक का जो टारगेट है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि एकदम से ख़त्म करना मुश्किल है, बट कोशिश करेंगे, प्रयास जारी रहेंगे तो ये हो जाएगा। और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि हमारा देश ने इसमें भागीदारी ली है और ये कोशिश कर रहे हैं और इसमें भाग लिया है कि हम 23 तक इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो सर, हम सब जानते हैं कि आजकल के युवा वर्ग, खासकर छोटे बच्चे, जंक फूड को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो ऐसे में आप बताएं कि जंक फूड्स क्या होते हैं, कौन कौन से फूड जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं, और उनके क्या क्या, अगर रेगुलरिटी बेसिस पे हम उन्हें यूज़ करते हैं तो क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उनको खाने से। देखिए, आप दो ब्रेड के बीच में दो खीरे के पीस, दो टमाटर के पीस और साथ में कुछ सिलेरी के पत्ते लगा के खा रहे हो ना, तो ये जंक फूड नहीं है। जंक फूड का मतलब है कि एम्प्टी कैलोरीज, ऐसा खाना जिसमें सिर्फ आप कैलोरी लिए जा रहे हो और कोई न्यूट्रिएंट नहीं है उसमें। तो ये जो शुगरी आइटम है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में मैं बोलूँगा, जिनमें कार्बोनेटेड बीवरेजेज जो हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा आजकल यूथ बड़ा क्रेजी है। इसके अलावा जो चीज़ स्प्रेड या जो सॉर्ट ऑफ आप इसमें पिज़्ज़ा में लगाते हैं, चीज़ ही है वो, तो वो वाला जो प्रोडक्ट आप खा रहे हो, दैट मे बी ट्रीटेड एज जंक फूड। तो संभवतः हर कोई कहेगा कि ऐसी चीज़ें तो मना ही करनी चाहिए और हमें हमारी डाइट को बहुत सारे रंगों से भर लेना चाहिए। रंगों का मतलब ये है कि रंग बिरंगे फ्रूट खाएं, हर सीज़न के हिसाब से रंग बिरंगी सब्जियां खाएं। अगर आपने जीवन की अपनी डाइट को रंगों से भर लिया, तो आपका जीवन भी अवश्य रंगों से भर जाएगा, ये मेरा मानना है। मैम, पैकेज्ड प्रोडक्ट्स की हमने पहले भी बात की, और पैकेज्ड प्रोडक्ट्स आजकल लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक ज़रूरत भी बन गई है उनकी लाइफस्टाइल की वजह से, और कहीं ना कहीं उनकी एक चॉइस भी है। तो ऐसे में जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो कहीं ना कहीं लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बाजरा, जवार, रागी, तिल और भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल फूड्स हैं। तो आप हमारे दर्शकों को अवगत कराएँ कि ट्रेडिशनल फूड्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम मॉडर्नाइजेशन उसको समझते हैं जिसको कि हम वेस्टर्नाइजेशन मानते हैं, सिनोनिम्स की तरह यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह, जबकि ये, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग दोबारा अपने जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, जो पारंपरिक खाने हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने अपने पूरे ज्ञान को और समय को लगा के, जिनका आविष्कार किया, चाहे उनके पास लेबोरेटरीज नहीं थी, पर उनका अनुभव के साथ जो उन्होंने आविष्कार किए और बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ जिसमें कि ऐसे संतुलित आहार हैं जिसमें अनाजों का और दालों का कॉम्बिनेशन है, खमीर किया हुआ खाने बनाए गए हैं, ये पौष्टिक, बहुत पौष्टिक होते हैं ये। तो हमें इनको और साबुत अनाजों को, कोर्स ग्रेन्स को, जो नॉन कन्वेंशनल हैं, बजाय कि सिर्फ गेहूं, चावल, मैदे जैसी चीज़ों पे अटकने के, हम जैसे बाजरा है, मक्का है, या मंडुआ जिसे रागी भी बोलते हैं, इन खानों की तरफ दोबारा जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं सैल्यूट करती हूँ और मैं बहुत धन्यवादी हूँ अपने पूर्वजों का कि उन्होंने खान पान की बहुत अच्छी व्यवस्था की है, और हमें उसका सम्मान भी करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। तो सर, जैसे हंगर इरेडिक्शन के लिए या गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक पौष्टिक आहार पहुंचाने के लिए हमारी सरकार की भागीदारी रही है, उसके साथ साथ FSSAI ने भी अपनी भागीदारी जताई है, तो इन दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारी योजनाएं जो हैं शुरू की हैं, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा उन स्कीम्स और योजनाओं के बारे में अवगत कराएँ ताकि वो भी ज़रूरतमंद लोगों को लाभान्वित कर सकें। देखिए रीता जी, भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे राज्य हैं इसमें, तो केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों की भी अपनी जिम्मेवारियां हैं और वो अपनी जिम्मेवारियां निभा रही हैं। तो हर एक राज्य के हिसाब से, वहाँ पे जो जनसंख्या है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से योजनाएं चल रही हैं। और रही बात हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा प्रदेश में जो ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए सभी को खाना मिले, और नंबर दो बात जो खाना मिले वो पौष्टिक हो, इसके लिए हरियाणा सरकार की कई अपनी योजनाएं हैं।
जिसमें एक प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है, जिसको अन्नपूर्णा योजना भी आप कह सकते हो, जिसमें आई थिंक 5 kg वीट पर पर्सन, मतलब 5 किलो गेहूँ प्रत्येक सदस्य परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है वो, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ और इसमें नमक भी मिलता है, कुछ ऑयल भी है, आई गेस दैट इज़ फॉर BPL फैमिलीज। तो ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, या ये कह लो कि जो डिप्राइड सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा मिड डे मील है जो भारत सरकार का है, काफ़ी पॉपुलर है और बहुत से गरीब बच्चों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। मतलब जो पोषक तत्व उनको घर से नहीं मिल पा रहे थे, वो सरकार स्कूलों के द्वारा सुनिश्चित करवा रही है। अभी मेरी डॉक्टर अलका से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि 5 साल तक की जो एज है वो बहुत ही वल्नरेबल एज है, और इसमें अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो आपका दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है, और विद्यार्थी के अंदर सोचने की या बातों को सीखने की जो वो कहते हैं ना, उसके अंदर व्हाट यू विल से शक्ति कह लीजिए आप, वो उतनी नहीं हो पाती है। तो संभवतः वो एक कमज़ोर विद्यार्थी बन के एक समाज में आएगा तो अल्टीमेटली ही विल बी सफरर होल लाइफ। और मैं अभी एक डाटा पढ़ रहा था, उसमें ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर 3.7% ऐसी पॉपुलेशन है बच्चों की जो अपने 5th birthday से पहले उनकी डेथ हो जाती है। वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। तो इस सब को धीरे धीरे वी आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस अलसे दिस वेरी ट्रेजिक सिचुएशंस, एंड वी आर वेरी होपफुल कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप इस विश्व खाद्य दिवस के उपलक्ष्य में हमारे दर्शकों को एक संदेश दें, जिससे वो भी जागरूक हों और अपने आसपास के माहौल के लोगों को भी जागरूक करें। संदेश तो मैं ये देना चाहूँगी कि बहुत कुछ है हमारे पास, धरती ने बहुत कुछ उपजाया है जिससे सबका पेट भर सकता है। बस हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लोग वेस्टेज भी बहुत करते हैं, बहुत खाना बर्बाद करते हैं, और ये मेरे दिल को बहुत आहत करता है जब मैं देखती हूँ शादी ब्याह में या वैसे भी रोज़ाना के खाने में भी थाली में परोस लेंगे लेकिन उसे पूरा ख़त्म नहीं करते हैं। तो उस वक्त उन लोगों को, सभी को मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी, ये रिक्वेस्ट करूँगी, उस वक्त उन लोगों को अपने ध्यान में लाएँ जिनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता। तो अगर हम इस वेस्टेज को रोक लेंगे तो हो सकता है किसी के पेट में रात को सोने से पहले खाना चला जाए और वो अच्छी नींद सो सके। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जैसे हम बोलते हैं एक क्राइम है और एक सिन है, मतलब एक गुनाह है और एक पाप है। वेस्टिंग फूड, खाने की बर्बादी, ये सिर्फ एक गुनाह नहीं है बल्कि ये पाप है, और पाप का फैसला इस धरती पे नहीं होता, ये तो कहीं और ही होता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, सभी से गुजारिश है, मैं सबसे निवेदन करूँगी कि कृपया खाना बर्बाद ना करें। जी बिल्कुल। और दर्शकों, जैसा कि आज हम सभी ने इस मंच पर विश्व खाद्य दिवस के बारे में खुलकर चर्चा की, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जागरूक होंगे इसे लेकर और खाना बर्बाद नहीं करेंगे और अपने आसपास परिवार और समाज के लोगों को भी जागरूक करेंगे। तो आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।